क्रिस्तु में आदरणीय फादर जी, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु। आज मैं एक लंबा भाषण नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इस पूजा के बाद सिस्टरों द्वारा आप लोग अच्छे भाषण सुनने वाला है, इसलिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आज हम प्रगति काल के पांचवें हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं, लेकिन इसराइलियों पुराने विधान के जो इसराइलियों में वे सिर्फ सात पर्व मनाते हैं। आज का पहला पर्व जो लेवी नंद से लिया हुआ था, जब आप इसराइलियों के एक पर्व के बारे में देखते हैं, उस पर्व का नाम था सुक्कोत पर्व यानी शिविर पर्व। इस पर्व में इसराइलियों के ख्याल करते थे कि वे मिस्र के गुलामी से मुक्त होने के बाद कनान देश की ओर यात्रा करते वक्त उन लोगों को तंबुओं में रहना पड़ा, और इस घटना को याद करते हुए वे इस पर्व मनाते थे। आज के वचन भाग में हम ईश्वर इसराइलियों को इस पर्व कैसे मनाना है, कब मनाना है, इसके बारे में निर्देश देते हुए हम देखते हैं। आज का दूसरा पर्व इसयाहनबी के ग्रंथ से था, जहां हम ईश्वर इसराइलियों को चेतावनी देते हुए हम पाते हैं, और हमसे यह कहते हैं ईश्वर के वचनों का पालन करो ताकि हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का संत लूकस के सुसमाचार से है, जहां हम एक दृष्टांत देखते हैं, अमीर आदमी और लाजरस का दृष्टांत। यह दृष्टांत के बारे में आप लोग जानते होंगे, कहानी आप सबको मालूम होंगे। और वह अमीर आदमी अपने घर के फाटक पर पड़े हुए लाजर का कुछ ध्यान नहीं देता था और उसको कुछ मदद नहीं करता था। जो कुछ ईश्वर से मिला हुआ है वह दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे उनके मृत्यु के बाद नरक की आग मिलती है। लेकिन लाजरस को इस दुनिया में बहुत कष्ट उठाना पड़ा ताकि उसे स्वर्ग राज्य मिलते रहे। आज के सुसमाचार बाद हमें कुछ ही सिखाते हैं। पहला है, जो कुछ हमें अपनी जी जिंदगी में मिला है वह सब ईश्वर का दान है, जैसा कि अपने संबंधी, हमारी क्षमताएं, यह सब ईश्वर की ओर से एक दान है। तो यह सब हमें दूसरों की भलाई के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम सच्चे क्रिश्चियन बन जाएंगे। दूसरा है, सच्ची अमीरी इस दुनिया में चीजों जमा करने में नहीं होते हैं, सच्ची अमीरी स्वर्ग राज में खजाना जमा करने में होते हैं। संतमती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6:20 में हम ऐसा पढ़ते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा मिलता है, कीड़े खाते हैं और चोर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं, ना चोर चुराते हैं। तीसरा है, लाजरस को अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी लेकिन वे कुछ भी अपने जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं कर रहे थे, लेकिन यह संकट और कष्ट उन्हें स्वर्ग राज प्राप्त करने में मदद किया। लाजरस की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में कभी कभी दुख उठाना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, और हमें कभी कभी हमें अकेला छोड़ दिया जा सकता है, और दूसरों द्वारा हमें गलत समझा जा भी सकता है। तो हमें ईश्वर में विश्वास रखते हुए, ईश्वर के वचनों में आस्था रखते हुए आगे बढ़ना है। ईश्वर जो हमारा कष्ट देखते हैं हमें प्रतिफल प्रदान करेगा। 14 में यह दृष्टांत हमें एक आशा देते हैं कि इस दुनिया में
अपने जीवन के बाद एक जिंदगी में है। यह आशा हमें इस दुनिया के दुख तकलीफों को खुशी के साथ जीने के लिए मदद करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस दृष्टांत के लासरस के तरह हमारे जिंदगी के फाटकों पर बहुत सारे लोग पड़ेंगे। हमारी सहानुभूति के लिए, हमारे मदद के लिए, हमारे प्यार के लिए उनके प्रति हमारा मनोदृष्टि किस प्रकार का है, सरा सोच लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, उस अमीर आदमी ने अपने घर के फाटक पर पड़े हुए लासरस का ध्यान नहीं किया, इसलिए उसे नरक की आग मिली। हमें क्या चाहिए, नरक या स्वर्ग का आनंद? इन विचारों मन में रखते हुए हम आगे का पूजा वृंदावन में भक्ति भाव से भाग लें। आमीन।